भले ही बॉलीवुड को पिछले कई सालों से फिल्मों को रीमेक करने, कॉपी करने और मैनिपुलेट करने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता रहा हो, लेकिन बॉलीवुड के बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स और सुपरस्टार्स आज भी फिल्मों को रीमेक करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ना तो वो ट्रोलर से डरते हैं, ना ही बायकॉट के ट्रेंड से खौफ मनाकर फिल्मों को रीमेक करने से तौबा कर रहे हैं। इस लीग में बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन का नाम सबसे ऊपर आता है, बिकॉज उनकी आने वाली एक नहीं बल्कि 3 दिन फिल्में कहीं ना कहीं से रीमेक हैं। सबसे पहली मूवी दिवाली पर थैंक गॉड आ रही है, जो कि तमिल मूवी ओ माय कोडुवेली और नॉर्वे की मूवी सॉर्ट एक कुगलर का हिंदी अडॉप्शन है। इसके अलावा दृश्यम का पार्ट 2 तो सबको पता ही है, मलयालम का रीमेक है। और उनकी तीसरी मूवी जिसका नाम भोला, वो तमिल मूवी कैथी का रीमेक है, जिसे ओरिजिनली डायरेक्ट किया था लोकेश कनगराज ने, जो कि विक्रम के जरिए बहुत ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड हो चुके हैं। प्लस लीड रोल प्ले किया था कार्ती ने, जो कि तमिल एक्टर सूर्या के छोटे भाई हैं। अब ये वही कार्ती हैं जिनकी मूवी PS1 तमिलनाडु में बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और उनके किरदार को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो कार्ती हैं, उन्होंने कैथी को बहुत ही डिफरेंट तरीके से अंजाम दिया था और अजय को लेकर बहुत ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कह रहे हैं। इवन PS1 की सक्सेस पार्टी में उन्होंने अजय देवगन को लेकर बहुत सारे अच्छे और पॉजिटिव खुलासे किए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कार्ती ने अजय के साथ 18 साल पहले काम किया था एक मूवी में जिसका नाम था युवा। युवा मूवी को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था। युवा साल 2005 में आई थी, जिसे मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था विवेक ओबरॉय, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन के साथ। इस मूवी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे कार्ती, जो कि मणिरत्नम के असिस्टेंट थे और खुद उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में बन गए हीरो। खैर, इस मूवी के दौरान उन्होंने अजय को बहुत करीब से देखा और उनकी इंटेंस एक्टिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए और आज उनको ये कहते हुए प्राउड होता है कि उनकी कैथी को हिंदी में कोई और नहीं बल्कि अजय रीमेक कर रहे हैं। और इस बात को लेकर कार्ती बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं कि अजय भोला को अपने तरीके से इम्प्रोवाइज करेंगे, नए इनपुट के साथ क्रिएटिवली मूवी को डिफरेंटली डिजाइन करेंगे, बिकॉज वो भोला के डायरेक्टर भी हैं। कार्तिक की वर्ड ऑफ पॉजिटिव माउथ से मूवी को फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस बायकॉट के ट्रेंड से भी थोड़ा बचेगी, बिकॉज जब मूवी के ओरिजिनल मेकर मूवी को ग्रीन सिग्नल दे दें तब लगता है मूवी को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी कम होगी। इसके अलावा कार्ती ने मूवी के जो राइट्स बेचने को लेकर जो बात थी, वहां पर अजय को बहुत सपोर्ट किया था कि वो चाहते थे अजय के पास इस मूवी के राइट्स जाएं, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कार्ती की मूवी कैथी को कोई खराब करे किसी भी लैंग्वेज में मैनिपुलेट करके। बहरहाल अब भोला को बहुत सारे फायदे और भी मिलने वाले हैं, बिकॉज कैथी जब बनी थी तब तो विक्रम नहीं आई थी, लेकिन लोकेश कनगराज ने विक्रम को बना के और विक्रम में कैथी को प्लांट करके एक तरह के यूनिवर्स का आगाज कर दिया है। और जब ये यूनिवर्स एक्सपेंड होगा विक्रम के साथ, तब जाहिर सी बात है भोला को भी उसका फायदा मिलेगा। और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि जब विक्रम का लोकेश कनगराज यूनिवर्स तमिल में एक्सपेंड करेगा, तब अजय भी उसी राइट के जरिए, उसी कॉपीराइट के जरिए अपने भोला को यूनिवर्स में रिप्लेस कर सकेंगे। तो भोला को लेकर पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग हो चुका है विक्रम के आने के बाद, प्लस ओरिजिनल मेकर से मिल चुकी है ग्रीन झंडी, तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। इसलिए अजय देवगन को रीमेक के ट्रोल से डरने के बजाय मूवी के कंटेंट, मूवी क्वालिटी को जस्टिफाई करने पर मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज जो कैथी का जो काम था, लोकेश कनगराज का जो काम था, वो अजय देवगन को भी साबित करना पड़ेगा, वरना भोला एक और फ्लॉप रीमेक के लेवल तले दबकर रह जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।